मोनिया में विस्कुमान बंद केंद्र पर संचालकों द्वारा नियमितता का अवहेलना देख बड़ा कुटे जांच टीम के लिए गए पदाधिकारी। जिले के विस्कुमान भवन पर गोदाम की उपलब्धता को साफ और स्पष्ट रूप में लिखने के लिए दिया गया था निर्देश, जिसका कैमूर जिले में नहीं हो पा रहा है पालन। चैनपुर आईसीडीएस कार्यालय में प्रभारी सीडीपीओ पुरेंद्र कुमार ने महिला पर्यवेक्षकों के साथ बैठकर श्रम कार्ड बनाने को लेकर जागरूकता फैलाने का दिया दिशा निर्देश। सीडीपीओ ने बताया सेविका सहायिकाओं से संपर्क कर प्रखंड के मजदूरों का 100% श्रम कार्ड बनाना करे सुनिश्चित। गैर जमानती वारंट के आधार पर चांद प्रखंड के लेदरी गांव निवासी शिवदास बिंद को 8 लाख रुपए की घपलेबाजी के आरोप में हुए गिरफ्तार। 6 साल पहले व्यवसायी बहादुर बिंद से 8 लाख रुपए की धान खरीदने के बाद बाउंस चेक देने के आरोप में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। मुथूट फाइनेंस कंपनी का पैसा वसूली कर भागने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मामले के अनुसंधानकर्ता प्रमोद सिंह ने बताया गिरफ्तार युवक मोहनिया वार्ड 12 निवासी शिवमुनि प्रसाद का पुत्र पंकज कुमार बताया गया है। महुआ सर के वार्ड 7 में स्थित पेंशनर भवन में 39वां वार्षिक समारोह सह स्थापना दिवस पर पेंशनर द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महुआ नगर परिषद के सभापति जिनेन्द्र आर्य की उपस्थिति में पेंशनरों को बुके और शॉल देकर किया गया सम्मानित। अधौरा थाना क्षेत्र के तेलारकुंड और जमुनीनार गांव के बीच बीती रात एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। महुआ एसडीपीओ सुनीता कुमारी ने बताया मृतक युवक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के टोड़ी गांव निवासी जंग बहादुर पसवान के रूप में हुई है। अधौरा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार युवक को भगवा न्यायालय ने 15 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 10,000 रुपए का लगाया आर्थिक जुर्माना। जुर्माना राशि नहीं देने पर 21 वर्ष तक होगी कारावास। वर्ष 2016 में अधौरा के जंगलों में गाय चरा रही लड़की से दुष्कर्म का था मामला। कैमूर जिले के सरकारी बैंक कर्मियों द्वारा निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन हड़ताल जारी रहने से करोड़ों रुपए का व्यापार हुआ प्रभावित। जिले में लगभग सभी बैंक सहित एटीएम भी रहे बंद। 2 दिवसीय हड़ताल सहित लगातार कुल 4 दिनों तक प्रभावित होगा बैंकों का कामकाज। ऑनलाइन पेमेंट से मिलेगी व्यापारियों को सहूलियत। महाअभियान लकी ड्रॉ के तहत कोरोना टीका का दूसरा डोज लगवाने वाले लाभार्थियों को जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में प्राइज देकर किया गया सम्मानित। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जिले में चलाया जा रहा टीका महाअभियान। महुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में हो रहा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच हुए आपसी खींचतान में रामगढ़ की कबड्डी प्लेयर प्रतिमा कुमारी हुई घायल। घायल खिलाड़ी रामगढ़ थाना क्षेत्र के सहदुल्लाहपुर गांव उच्च विद्यालय की छात्रा प्रतिमा कुमारी का महुआ सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज।